सो हेलो जी, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 3 जुलाई। एंड भैया कल हमें निकलना है सुबह जम्मू के लिए। सीन बहुत ही खतरनाक है, अभी पूरी जानकारी देंगे। पहले नंबर पे मेरे को बहुत सारा सामान लेना है, तो वो सब सामान लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि पूरा सीन है क्या। यार सबसे पहले लेने आ गया हूँ मैं चप्पल, बिकॉज चप्पल ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैं ये वाली चप्पलें पहन रहा हूँ। तो मेरे को ना इस टाइप की क्रॉक्स टाइप में चाहिए, जो कि फ्लाइट की आती हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ, इसे मैं समझ नहीं आ रहा कौन सी ले जाए। भाई वाइट ले जाऊँगा, मम्मी डांटेंगी। मम्मी कहती भाई मैं नहीं धुल पाऊंगी ये चप्पल। एक तो मेरी मम्मी की आदत खराब है ना, जो भी चप्पल हो वो बिल्कुल साफ हो, अपने आप ही साफ करने लगती हूँ। डांट मेरी पड़ती है कि तुम वाइट ला के रखते हो और हम धुल धुल के परेशान हो जाते, इसीलिए वाइट नहीं लेंगे। मैं सोच रहा हूँ ये ले ली जाए क्या। भाई देखो मैंने 3 डिसाइड करी हैं और इसमें से भी मैं सोच रहा हूँ येली ले लूँ, बिकॉज बिल्कुल प्लेन ब्लैक है। हाँ भाई, फाइनली चप्पल ले ली। चप्पल लेने के बाद अब मेरे को लेना है एक वायरलेस माइक, तो चल के वायरलेस माइक लेते हैं। तो भाई फाइनली वायरलेस माइक लेने के लिए शॉप पे आ गए। वैसे मेरे को मंगाना तो ऑनलाइन था। पहले मैं बताऊंगा, हम लोग जम्मू निकलने वाले थे 6 तारीख को, पर निकलना मजबूरन कल पड़ रहा है। अब बताएंगे अभी क्या हुआ, पहले जल्दी से सामान लेते हैं, लेट हो रहा है यार। और जाते टाइम कॉस्टा भाई को भी बुला लिया है, बिकॉज चेक कर लेंगे माइक सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके पास भी आईफोन है, मेरे पास भी है, तो अच्छे से चेक हो जाएगा, दूर दूर तक जाके देख लेंगे। वैसे है तो बढ़िया, मैं चेक कर चुका हूं, बट लेने से पहले एक बार और चेक करें क्योंकि महंगा है ना थोड़ा सा। माइक निकल रहा है भाई, ये मेरा मिनी व्लॉग शूट कर रहा है, बिकॉज मैं मेन व्लॉग के लिए शूट कर रहा हूँ। ये बढ़िया है हमारा, हमने कहा तुम भाई मिनी व्लॉग शूट करो मेरा तब तक। तो भाई फाइनली हमने माइक चेक कर लिया एंड माइक बहुत ही अच्छा है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है, बेस्ट क्वालिटी है। तो अब साउंड क्वालिटी की जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी ना बाहर, अब वो भी नहीं होगी। तनिष्क भैया आजकल खूब ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने सेटअप पे, बिकॉज सब्सक्राइबर बूम पे है ना। तो बाकी इसे लेते हैं और चलते हैं, थोड़ा सा महंगा आएगा। इस बैंक खाली हो गई हमारी, माइक ले लिया और एक दो चीज़ें थी वो लेनी थी ले ली, और एक दो चीज़ लेनी थी जो मिली ही नहीं, मैं उन्हें ऑर्डर भी नहीं कर पाया। मेरे को निकलना था 6 तारीख को, सोचा था आज ऑर्डर करेंगे आराम से 5 को आ जाएगा, बट वो कल एकदम से जाने का प्लान बन गया, अभी बताएंगे। बाकी कैश निकालना था, कैश भी निकाल लिया ट्रिप के लिए। अब बस चलते हैं घर, बाल और दाढ़ी कटाने थे, जहाँ मैं कटाता हूँ वहाँ मैं गया था, बट वो बंदा भाई साहब बहुत बिजी है, वो कह रहा भाई 8:30 बजे के बाद आना तब काट पाएंगे। और भैया अब हमें लेट हो रहा है, अब हम इतना इंतज़ार कर भी नहीं सकते, तो देखो कहीं जाके बस अपनी दाढ़ी सेट करा लेंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो जम्मू में ही बाल कटा लेंगे। मैं ना घर पहुंच चुका हूं, पर अब आपको पूरा सीन बताता हूं। पहले नंबर पे तो सुन लो, घर में लाइट नहीं आ रही, दोपहर के 3 बजे से रात का बजने जा रहा है भाई अब 8:30। मेरी अभी कुछ पैकिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, ना दाढ़ी सेट हो पाई ना बाल सेट हो पाए, क्योंकि वो तो बिज़ी था, वो तो चलो वहीं करा लेंगे, ना पैकिंग हो पाई ना कुछ हो पाया, बिकॉज लाइट नहीं आ रही। और लाइट हमने सुना है रात के 10-11 बजे तक आने भी नहीं वाली है, मेरे को 2 व्लॉग भी अपलोड करने हैं, बहुत कुछ काम है। ये सडनली प्लान बनाया, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। मेरे को वैसे जम्मू के लिए निकलना था 6 तारीख को शाम को, रिजर्वेशन था 3 बजे का, बट वो कन्फर्म नहीं हुआ था एंड उसके चांस भी कम लग रहे थे। एंड फिर सागर दादा ने बोला कि अगर उस दिन कन्फर्म नहीं हुआ, वो तो सुबह पता चलता कन्फर्म है या नहीं, तो फिर मैं 7 को निकलता यहाँ से दिल्ली बस, और फिर दिल्ली से ट्रेन होती जम्मू जाना होता, तो वो दिन बर्बाद ही होते। फिर उन्होंने बोला कि कल ही निकल लो, उन्होंने ना दिल्ली से रिजर्वेशन कर दिया, जो कि कन्फर्म हो गया तत्काल में, क्या तुरंत ही कन्फर्म हो गया। तो मैं तुम लोगों को प्लान बताता हूँ कि कल करना क्या है। सबसे पहले हरदोई से जाना है फरुखाबाद बाई बस सुबह, एंड फरुखाबाद से दिल्ली के लिए डायरेक्ट बस जाती हैं, तो डायरेक्ट बस से जाएंगे दिल्ली, एंड दिल्ली में फिर पुरानी दिल्ली से जाएगी हमारी ट्रेन जम्मू के लिए, उसमें रिजर्वेशन हो गया तो उसमें आराम से जाएंगे। अब बस वही है, दिल्ली जाने के लिए बस ही सही है। बस भाई 12-13 घंटा लगेंगे कल, बस मौसम सही हो। मैं तो बस ये चीज़ सोच रहा हूँ, कल अगर मौसम सही हो ना तो आराम से चले जाएंगे, वरना धूप में तो हालत ख़राब हो जानी बस में, और बस भी एसी चलती है उधर से, वरना एसी में चले जाते। देखेंगे अगर एसी मिली तो एसी से जाएंगे, वरना फिर नॉर्मल से ही जाना पड़ेगा। मेन दिक्कत वाली बात यह है कि हरदोई से कोई बस सुबह नहीं चलती है, हरदोई से सारी बसें चलती हैं 2-3 बजे के बाद, लाइक इस समय जो है बराबर हर घंटे बस जा रही होगी आनंद विहार, लेकिन सुबह कोई नहीं है, हमें सुबह ही निकलना है क्योंकि रात में हमारी 8:10 की ट्रेन है दिल्ली से। तो बस यही बवाल हो गया, इसी वजह से कल निकलना है, सब इतना ज़्यादा भसड़ में करना पड़ रहा, वरना 6 तारीख को जाता सब कुछ आराम से होता, मेरे पास इतना कंटेंट पड़ा हुआ मैं वो भी डाल देता, बट अभी बड़ी भसड़ है। एक तो लाइट भी नहीं है, अब ये सबसे ज़्यादा दिमाग खराब कर रही, ना पैकिंग हुआ है ना कुछ हुआ है, तो मैं ज़्यादा व्लॉग भी शूट करने का मेरा मन नहीं हो रहा है, बिकॉज बिल्कुल अजीब अजीब लग रहा है भाई। फिलहाल पूरा रात का 10 बजा है, फाइनली लाइट आई है एंड हमने अपनी सारी चीज़ चार्जिंग पे लगा दी है, पावर बैंक पूरी खत्म हो गई थी चार्जिंग पे लगा दी, साथ में जो अभी नया माइक लाए हैं वो भी चार्जिंग पे लगा दिया है, ये भी चार्ज हो रहा है, इसके साथ साथ अपना एक और फ़ोन है रियलमी वो भी चार्जिंग पे लगा दिया है। अब ये सब चीज़ें रात भर में चार्ज हो पाएंगी कहीं, कहो बढ़िया रहा लाइट आ गई, लेकिन मेरा दिमाग आज ख़राब हो गया, पहली बार ऐसा हो रहा है। ये इस ट्रिप का मेरे को इतना ज़्यादा इंतज़ार था, लेकिन इस लाइट की वजह से हालत ख़राब हो गई। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, और अभी भी लाइट का कुछ पता नहीं, देखना फिर से चली जाएगी, मेरे को तो यही लग रहा है। A few moments later. भाई 5 मिनट लाइट नहीं आई होगी, मैंने जस्ट अभी एसी चलाई थी
लेटा था पसीने से, हालत खराब हुई जा रही, लाइट चली गई। सुबह 5 बजे उठा हूँ, 3 घंटे सोया हूँ, सिर्फ दिन भर एडिट किया है आज। मैसेज में रोना चाह रहा हूँ, आज मेरे को रोना है यार। मैं कल कैसे जाऊंगा, मेरे को कल 12 घंटे बस में सफर करना है, उसके बाद उसमें एक ट्रेन में करना है, भाई मैं कैसे जा पाऊंगा। ट्रेवलिंग का बहुत चढ़ा था साला, सब उतर जाएगा। भाई रोना हंसना दोनों आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा करूँ क्या। ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग जितनी आसान तुम लोगों को लगती है ना, उतनी नहीं है भाई, उतनी नहीं है। तुम लोगों को लगता है बस आराम से घूम रहा है, क्या ही कर रहा है, 12th के बाद बस मजे कर रहे हैं। तो भाई फाइनली रात का 12 बजने जा रहा है, लाइट आ गई थी आधे घंटे पहले। मैं थोड़ा सा फ्रेश हो चुका हूँ, नहा धो लिया, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिलहाल अपनी चल रही है पैकिंग, ये सारे जाएंगे कपड़े वपड़े, बाकी वहीं ख़रीद लेंगे। ज़्यादा कपड़े नहीं ले जा पा रहे हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, बिकॉज़ लास्ट टाइम याद होगा बोला था कि रक्सैक बैग मंगाना था, ऑर्डर करना था, बट इतना मैं चिल रहता हूँ, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को गाली देने का मन रहा है, इतना चिल था कि मंगा लूँगा। आज प्लान था सुबह ऑर्डर करने का, करेंगे आराम से 5 तारीख तक आ जाता, 6 को वही लेके जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मंगानी थी, माइक आइक भी लेना था बढ़िया वाला जो मैंने चूज़ कर रखा था, फिर क्या ही बताएं। फिर आज जैसे तैसे करके जुगाड़ कर लिया है, यही वाला बैग ले जाएंगे। अब जम्मू ट्रिप के बाद सब चीज़ें ऑर्डर करेंगे। भैया हमेशा ध्यान रखो, जो चीज़ दिमाग में आ गई ना, ये चीज़ मंगानी है तो उसे ऑर्डर कर ही दो, वो सबसे बेस्ट रहता है। फिलहाल मैं थोड़ा सा गरीब हो चुका हूँ, आज कुछ ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं, इसलिए जम्मू से आने के बाद सब चीज़ें मंगाएंगे। अब बस कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं मंगाना, समझ लो 5-10 हज़ार रुपये का सामान है, वो भी धीरे धीरे करके मंगा लेंगे। एक बढ़िया सा बैग ट्रैकिंग वाला, एक बढ़िया सा टेंट, वो सब जल्दी आ जाएगा। बाकी एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, अभी 10-15 मिनट पहले ही हमारे चैनल पे ये चेक करें आप, 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 10,000 सब्सक्राइबर अभी कुछ आधे घंटे पहले हुए थे, एंड अभी कुछ यही 10,100 होने वाले हैं। इस समय ये जो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ना, लिटरली मैंने कभी सोचा नहीं था। भाई मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इस समय क्या चल रहा है हमारे चैनल पे। ये देखो भाई, 48 घंटे में यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर हमारे चैनल पे 11.5 लाख व्यूज़ हैं, और हर 60 मिनट में हमारे चैनल पे 30,000-35,000 व्यू आ रहे हैं। अब रात हो गई, रात में थोड़े से कम हो जाते हैं, 12 बजने जा रहा है ना, तो हर घंटे हमारे चैनल पे 30,000-35,000-40,000 व्यूज़ आ रहे हैं, और 2 दिन के अंदर अंदर हमारे चैनल पे 11 लाख व्यू आए हैं। भाई थैंक यू सो मच, 2 साल की मेहनत अब रंग लाना शुरू करी है, सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग 10,000 की बड़ी फैमिली बन चुके हैं। प्लान बहुत कुछ था 10,000 पे करने का, बट ये ट्रिप लग गई इस वजह से अभी तो कुछ नहीं, ठंडा पड़ा है। तो अब 50K पे करते हैं कुछ धमाकेदार बढ़िया सा। भाई लिटरली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को ना तुम जैसे लोग मिले हैं। बस भाई ये कहूँगा, तुम लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रहेंगे। जैसे 10,000 सब्सक्राइबर हुए भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे टैक्स की बाढ़ आ गई। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाय द वे नहीं कर रखा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तुरंत अपडेट मिलता है जो भी होता है। सच में तुम लोग भाई बहुत प्यार करते हो, जब एक हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग मेरे को स्टोरी लगाए जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। 10,000 की बड़ी फैमिली हो गए हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो पहली बार मेरे को देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े ना। तो भैया हमें तनिष्क मिश्रा, आपको हमारे चैनल पर ट्रैवल वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, फैमिली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल सोच रहा हूँ कि फैमिली व्लॉग फैमिली वाले तो देख नहीं रहे, बिकॉज थोड़ा सा भी भसड़ है ना यार, ये सब पैकिंग वैकिंग चल रही है, इस वजह से कुछ फैमिली वैमिली वाले आ नहीं पाएंगे। फिलहाल कल मिलवाते हैं आपको सबसे। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हम 10,000 की बड़ी फैमिली हो गए हैं। सारा सामान अपना पैक हो गया, 3 बैग जाएंगे, एक में सारे कपड़े वपड़े हैं, इसमें सारा ब्लॉगिंग वाला सामान जितना भी सब कुछ है, उसमें पैसे ऐसे और बाकी जो ज़रूरी सामान होता है, जो ज़रूरत पड़ता है, उसमें पावर बैंक पड़ी रहती है, फ़ोन चार्ज होता रहता है, ये तो यहाँ रहेगा। बाकी अब देखो जो भी होगा, जैसे तैसे करके पहुँच जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे। ज़्यादा भारी आ रही है नहीं, बस वाला बैग मेन है, उसमें कपड़े वपड़े थोड़े से ज़्यादा हैं, बट क्या ही है, बस में बैठ ही जाना है, सब बैठ ही के करना है, कौन सा हमें लेके चलना है। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ये नॉर्मली व्लॉग था, एकदम से सडनली प्लान बना, आज ही सुबह टिकट हुई, तभी कल निकलना है जम्मू के लिए, तभी घर वालों से भी नहीं मिल पाए, हो गए बहुत दिन हो गए, तो मिलाएंगे घर वालों से कल सुबह जब निकलने वाले होंगे। इस व्लॉग को मैं सोच रहा हूँ एंड कर देता हूँ, छोटा सा व्लॉग है, बस पता चल गया तुम लोगों को कैसे क्या प्लान बना। बाकी जम्मू सीरीज़ आने वाली है, इससे पहले आई थी उत्तराखंड सीरीज़, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ये वीडियो जब आएगा ना जाने तब तक हमारे कितने सब्सक्राइबर हो गए हों, जितने भी हो गए हों आप सभी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। एंड जितने भी नए लोग हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार कॉन्टेंट आगे चल के देखने को मिलेगा। सो हाँ, प्यार देते रहना। सो फिलहाल दिस इज तनिष्क मिश्रा साइनिंग ऑफ, मिलेंगे हम आपसे जल्दी, कल सुबह निकलना है जम्मू एवं कश्मीर के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट।